अरे राम शिट। चलो भाई यहाँ से शुरू भी कर देते हैं। पीपल का पेड़ देखा मैं, कितने बढ़िया फ्रेश पत्ते लग रहे हैं एकदम। यहाँ से एक दूसरा वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फिलहाल तो हमारे साथ ने भागीरथी के दर्शन कर रहे होंगे। यहाँ से देखो कितना साफ संगम दिख रहा है। याद रखिए यहाँ है त्रिवेणी संगम, सरस्वती जी विलुप्त रूप में है यहाँ पे। पीपल के पेड़ देखे हैं कितने बड़े बड़े, और उनकी चमक देखो ना, कैसे चमक है ना बेटा, एकदम वो जैसे एक क्या कहते हैं, बिल्कुल ग्रीन। यहाँ पे ना शर्मा जी भी ये बात बोलते थे, जैसे हमारे दिल्ली वगैरह एनसीआर में काले ब्लैकिश होते हैं डार्क, यहाँ पे शाइनिंग वाले एकदम अलग सा ब्राइट ग्रीन रहता है इनका, ये देखो कलर। सारी धर्मशालाएँ हैं, पर्यटक अतिथि गृह। सर कह रही हूँ अभी से कि मन का ऑक्सीजन कितनी खींच के ले जानी है, ले जाओ कई महीने का कोटा पूरा कर लो। क्या टाइम हुआ, 3:13 रहा है। भैया कह रहे देखो वो उगा रखे हैं, मैंने कहा उगा नहीं रखे, अपने आप ही उग रहे हैं सारे जी। एलो भी रहा है, गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी आग कितने जल रही है ना, भगवान कसम बाहर कितना अच्छी हवा लग रही है, गाड़ी में एकदम आग निकल रही है। सामने कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है ना, मेरा ट्रैकिंग का मन कराता है, ऐसे करके ऊपर करके ऐसे जा रहा है। अब हम पेट पूजा करेंगे, कहीं वही रोकेंगे। ये बाइकर चल रही है, बहुत सारे बाइकर निकल गए, एक आधे मिले थे, अच्छे लगते हैं ना ऐसे बाइकर। हाँ बिल्कुल। और ये गोप्रो ले रखे हैं इन्होंने, आधे तो वो होंगे ये यूट्यूबर भी होंगे। भूख लग रही थी हमें तो हम यहाँ रुक गए हैं, शिव गंगा एंड प्यास रेस्टोरेंट, और फूड व्लॉग आ जाएगा आपके। ये है कोड़ियाला, यहाँ से भी राफ्टिंग होती है, यहाँ से राफ्टिंग ज़्यादा डेंजरस है किसी ने बताया था हमें, लेकिन यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है बहुत सारे लोगों की। अभी हुआ है ये आ गया, बूंदी का रायता, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, और ये दाल तड़का, मैंने तड़का लगवाया जो, और ये मिक्स वेज। रोटी दिखाओ, रोटी खाओगी भैया, आप खा के देखेंगे, देखने में तो अच्छा, सब्जी ठीक है। अगर आप कहीं से दूर से आ रहे हैं तो भाई ऋषिकेश यहाँ ना रुक के थोड़ा और आगे रुकना, तो यहाँ खा सकते हो, खाना ठीक है। और अब हम घर जाएंगे, क्योंकि अब रास्ते में आ ही गया है बस थोड़ा सा, तो वहीं जाके मिलेंगे, घर पे ही मिलते हैं। बाइकर्स ने ना जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि केदारनाथ जी के कपाट खुलने में बस अब 2-3 दिन का वो रह गया। अरे राम शिट। ये देखो ये कहाँ बचे होंगे ये बंदे, ये देखो ये हाल हुआ था। नहीं गाड़ी जैसे चल रही थी हाँ, तो ट्रक बैक आया। हाँ, ट्रक बैक मार गया, जो उससे वो चल नहीं पाया, चढ़ हाँ, नहीं पाया या क्या हुआ हाँ, वो बैक आ गया। हाँ, बैक आया तो लोगों ने, जो गाड़ी में लोग बैठे उन्होंने देख लिया होगा, देख लिया ये तो बैक आ रहा है। हाँ, तो वो सारे गाड़ी छोड़ के भाग गए, भाग गए, ट्रक गाड़ी के ऊपर गिर गया। हे भगवान कितने बचे, गाड़ी के ऊपर गिर गया। और ये पुलिस वाले बता रहे हैं 1 सेकंड के गैप से बचे हैं, वो 1 सेकंड और अगर वो गाड़ी में रुक जाते तो पूरे दब जाते, पापड़ दब जाते, पापड़ बन ही गए थे। हाँ, कुछ भी किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, दोनों गाड़ियों पे गिरा था ट्रक, तो दोनों बच गए, दोनों बच गए, जाको राखे साई मार सके ना कोई। 7 बजे अब घर में घुसी हूँ, और उसकी मम्मी ने मिंट का पौधा दिया, योगी की मम्मी ने, ओहो खा के दिमाग की बत्ती जल जाएगी। दिया मेरे पीछे से जम के एक्सरसाइज की है, खूब पसीना बहाया है। हम आए हैं और थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी आप दिख रहे होंगे ट्रेन पे, तो शुरू हो गई है, मौसम तो हो ही रहा था बढ़िया। ये देखो बादल, देखो अब आपको बरसात वाले बादल मिलेंगे, बारिश तेज शुरू हो चुकी है। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मिट्टी की सुगंध आ रही है, वे गद्दा करके गई थी अभी गीला हो गया, देखो बारिश एकदम से तेज आ गई। ओए होए, मैंने एक वहाँ पे लस्सी पी थी, ये वहाँ पे देवप्रयाग, मैं वो लस्सी का डब्बा भी अपने बैग में डाल के लेके हैं, लस्सी का डब्बा भी अपने बैग में रख के लाई, देख लो। उन्होंने बोला था कि इसकी जड़ को दबा देना, बेशक से कल कर दे, और जड़ में कैसे दबेगी जड़िया, बड़ा मुश्किल काम है। जड़िया का टेस्ट गंदा निकलेगा तो चप्पल से तेरे दांत मैं ही मारूंगी तेरे को उल्टा। अरे तू देख लेके है ना। देखा ये तो वो सेंटर फ्रेश सेंटर जो वो होती, मैं कह रही ना बातों में जो लाइट आ जाती थी दिमाग की बत्ती जला दे वो वाली।
ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा कूल। खा के देखना दिमाग की बत्ती चलेगी, वैसे ही बुझी रहती है ये, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है अकेली। भैया क्या कहेगा, इसका ध्यान रखना। अरे ये तो बड़ा अच्छा है। अभी दिमाग की बत्ती, वो जो टूथपेस्ट में दांत में चमक आती है ना, है ना, इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है, उन भाभी जी ने पिलाई थी। हट बदतमीज, बंद कर। सुबह के 5:15 बजे हैं, कल वहाँ से लेट आके तो हिम्मत ही नहीं हुई कि भाई जाऊँ और गंगा जी पे जाके एंड करूँ। तो अब आज भी जाना है, आज यमकेश्वर जाना है, तो सुबह सुबह आ गई। इस बहाने थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर घर जाके अपने काम करेंगे, फिर मंदिर के लिए निकलेंगे। मंदिर के लिए 10-11 बजे जाएंगे। और रात को ना बारिश हुई है, तो ये देखो बारिश आएगी 1-2 दिन में अच्छी वाली ना, क्योंकि लग रहा है मिट्टी की खुशबू आ रही है, भीनी भीनी। अंकल जी को ले लेती हूँ, आंटी जी को तो आंटी बोल रही थी कि ये तो आप आपके बारे में क्या, वो मिस नहीं करते हैं बिल्कुल भी वीडियो, अब कहेंगी मेरे को नहीं लिया। हमारी सोसाइटी में से फूल तोड़ के ले जाते हैं और यहीं बेचते हैं फिर लाके, है ना। एक भैया कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने 4 बजे कुछ रिप्लाई कर दिया था, भाभी रात को सोए नहीं गया। मैंने कहा भाई 4 बज रहे हैं, उठने का टाइम हो गया। मैं जल्दी सो जाती हूँ ना, क्योंकि जब कहीं से आते हैं ट्रैवल करके, इसलिए कमेंट का अब बाद में रिप्लाई कर दूँगी, जब 2-3 दिन नहीं जाऊँगी ना तो तब रिप्लाई। मतलब अगर रात को जल्दी सो जाओ, मैं भी आधी बात कह जाती हूँ, शर्मा जी होते तो पूरी कर जाते, तो नींद जल्दी खुल जाती है सुबह सुबह। ओहो ओह, लाइटिंग तो अभी भी हो रही है, रात वाली फीलिंग थोड़ी थोड़ी आएगी। 5:15 बजे कितना उजाला और कितना, अरे बाप रे बहुत बारिश हो रखी है, पीछे गंगा जी का फ्लो देख रहे हो सुबह सुबह। जब तक एक्सरसाइज ना कर लो ना, तब तक मन ही नहीं करता है कहीं जाने का। यहाँ से गंगा जी भी दिखती है, अब नहीं ठीक हो रहा है। ओहो क्या आनंद लिया जा रहा है, मन करता है, ऐसे मन कर रहा है यहीं सो जाओ। एसी फेल है, नेचुरल उसके सामने ना, पता मुझे बहुत दिन हो गए जंगल में गाड़ियों से ही जाया जा रहा है, वैसे नहीं जाया जा रहा, पैदल पैदल। मोनी बाबा जी के यहाँ जाऊंगी 1-2 दिन में। इतना वजन तो जब कंट्रोल किया हुआ, थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ, नहीं तो पता नहीं कितना और बढ़ जाता। देखो क्या आनंद लिया जा रहा है गंगा जी किनारे। ओहो इस टाइम ठंड लगती है पूरी। 5:15 बजे हैं, मैं धीरे धीरे ना स्ट्रेंथनिंग करके देखती हूँ, तो पीछे के पैर से ना पता चलता है, आराम मिलता है बहुत ज़्यादा। देखो वो आंटी है ना बिल्कुल बीच में फ्लो में नहा रही, इस टाइम बहुत तेज फ्लो है। ये आंटी जी भी नहाने आई हैं, जवानों को डर लगता है, और बुज़ुर्ग इतने नहा के जाते हैं यहाँ पे। और देखो कितना तेज बहाव है इस टाइम, कितना तेज। और अभी बस मटमैला होने वाला है थोड़े दिनों में, क्योंकि बारिश शुरू होगी ना, तो पहाड़ों से मिट्टी कट के आएंगी। मैं अभी भी लोगों को जब कपालभाति करते देखती हूँ ना, बहुत गलत करते हैं। जैसे वो आंटी एक्सरसाइज कर रही है, तो करते हुए नाक से ना आवाज़ आनी चाहिए आपकी नोज से। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, जैसे डीप ब्रीथ किया, ऐसे नहीं करना, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, चाहे लगे रहो 10 सालों तक। वहाँ पे कोई सीढ़ियों पे रनिंग कर रहा है, कोई वैसे रनिंग कर रहा है, कितनी सारी एक्टिविटी होती दिखाई दे जाएंगी गंगा जी किनारे। मैं बैठी बैठी, वो पीछे एक पत्थर है बड़ा सा, जिसपे से लहरें होके जा रही है ना, इतना सुंदर लग रहा है देखने में। छोटी लहरें हो रही हैं, कभी बड़ी हो रही हैं उस पत्थर पे से। ये देखो देखो, ऐसा मन कर रहा है देखते ही रहो पूरी गंगा जी का नज़ारा ना, मतलब वहाँ तो स्पेशल मन कर रहा है उसको देखते रहो। अब लहरें इतनी डिफरेंट अलग अलग तरह के रूप दिखा रही हैं अपने, ये देखो।
इस टाइम बस गंगा जी को निहारते रहने का मन करता है सुबह सुबह। कर रही है दीदी नमस्ते। स्कूल नहीं गई कल? जब रात को वापस आ रहे थे देवप्रयाग से शाम को, तो जब ट्रक और गाड़ी को पलटे देखा तो फिर मन में यही आया कि मतलब कैसे लोग मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं। जाको राके साइया मार सके ना कोई। कल जो एक्सीडेंट देखा मैंने, एक्चुअली मैं इस साइड फेस कर दिया, मेरी तो बैकग्राउंड में आपको सूर्यदेव उगते हुए जरूर नजर आएंगे और गंगा जी भी, मैं शायद काली पीली नजर आऊँ, तो मैं मेरा पीछे रहना ही ठीक है, मेन फोकस तो उधर होना चाहिए। तो और ठंड लग रही है यहाँ पे बैठ के ना। कल जब उनको देखा तो मुझे डेली में ना, मेरे को कोई डेली नहीं, कभी कभी ये सामना करना पड़ जाता है अभी भी कि आप अगर हॉस्पिटल नहीं लेके जाते तो ये हो जाता। तो भाइयों मेरा दर्द मैं जानती हूँ और मेरे बच्चे जानते हैं और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि तो जिसका जाता है उसके बच्चे, वाइफ और उसके माता पिता वही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता कि कैसे जाते हैं। तो ये कहना छोड़ दो, जब अपने पे बीतती है तब पता चलता है कि जो सिचुएशन होती है ना, जो कि हम कहते हैं हम बहुत बीमार थे या हमारी गिरने की हालत थी, तो वो अलग ही होती है। जब सामने जो सिचुएशन होती है उसमें आप कैसे वो करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि मैंने ना 100% दिया है अपना, कोशिश भी की थी और दिया है, उससे ज़्यादा शायद पता नहीं क्या भगवान को यही मंजूर था। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। मुझे पता है कि मैं रात रात को जाग के चक्कर भी आते थे, मैं ज़बरदस्ती खाना खा के आती थी, तो ये ट्रक ने दिखा दिया कि कैसे जीवन बचता है। एक सेकंड का नहीं होता तो सारे जाते, ट्रक वाला तो शायद नहीं जाता, पर जो उसके अंदर चार बैठे थे वो चार जिंदगी, और एक और गाड़ी बता रहे हैं उसकी हालत तो देखी नहीं है, बाद में पता चलेगी वो क्या कंडीशन थी उसकी। तो भाई ऐसे टॉर्चर करना छोड़ दीजिए दूसरों को, क्योंकि ऐसे में लोग बहुत डिप्रेशन में, मतलब अपने आप को गिल्टी फील कराते हैं। मैं तो ढीठ औरत हूँ, मैं तो नहीं जाती, मुझे पता है मैंने जितना मतलब कि मतलब 100% दिया है, मेरे को पता है। जब अगर सामने मृत्यु खड़ी हो और आ रही हो तो हम अब हम इतने बड़े वो तो है नहीं कि सावित्री हैं जो यमराज से खींच लाएंगे, या पुराना वो टाइम तो है नहीं कि मार्कंडेय ऋषि साक्षात महादेव प्रकट हो जाएंगे। तो इसकी आनी है वो आएगी, ये जीवन है, ये तो प्रकृति चलती रहेगी, नष्ट होती रहेगी, हमारा जीवन, हमारा भी शरीर वैसा ही है। नई जनरेशन आएगी, पुराने जाएंगे आएंगे, ये जीवन प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ऐसे बोलना छोड़ दीजिए। और हाँ, एक इस बात पे याद आ गया कि मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि मैं कोरोना से हीलिंग वो करती हूँ, कोरोना के में जिनके गए हैं आप हीलिंग की क्लास ले सकते हैं। मैंने कहा आप आ जाओ, मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो कि कोरोना में कैसे हीलिंग के क्या मतलब आप क्या स्पेशल पार्ट पढ़ाओगे। मैंने कहा मैंने आज तक थप्पड़ वप्पड़ नहीं खाया घर में, मेरे मम्मी पापा मारते नहीं थे, पर हम उस दौर से गुजरे हैं कि जहाँ पे मम्मी पापा के पिटाई विटाई देखी हमने बच्चों के करते हुए, तो अपने आप हीलिंग हो जाती है। पता नहीं ये हीलिंग क्या हीलिंग होती है, मेरे को समझ नहीं आती, ये हील करते हैं। अरे गीता पढ़ लो, अपने आप हीलिंग हो जाएगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, और क्या, गंगा जी को देखें, बढ़िया। और मुझे आज भी जाना है, आज यमकेश्वर जाएंगे, देखते हैं, आज तो शायद चले जाएंगे क्योंकि वो ट्रक तो हट ही गए थे, अब ट्रैफिक खुल जाएगा। रोड अच्छा है लेकिन वहाँ पे नैरो बहुत है वो रोड ना, तो चलते हैं भाई। पूरे 6 बज गए, एक घंटा पौना घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं, गंदगी ना करें भाई प्लीज़।